दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के बारे में कि आखिर इसमें पैसे कब निवेश करना चाहिए, इसी के साथ में इसके कितने प्रॉफिट हो सकता है एक साल में, इसी के साथ में इसकी NAV क्या है, NAV का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, इसी के साथ में 2024 में टैक्स लगेंगे जैसे कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, वो 2024 में यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं, फिर आपने पैसा निवेश कर रखा है, तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर लगा रखा है, अगर आपका यहाँ पर 2 लाख रुपए हो जाता है तो आखिर आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कितना आपको टैक्स पे करना होगा। तो वो A to Z जानकारी है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अगर आप जैसे कि एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हैं वो रेगुलर प्लान ही आपको बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसमें उनका ये थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट प्लान नहीं बताते हैं, रेगुलर प्लान बताते हैं, ठीक है। और आपने कौन से प्लान में कर रखा है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, अब म्यूचुअल फंड में हम पैसे को निवेश क्यों करते हैं और कोई दूसरा भी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश क्यों करता है, ठीक है, ये हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात रहती है। और इसी के साथ में इस जो सवाल है आपका, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियोस में मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी सवाल को ही यहाँ पर समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे को लोग वो लोग निवेश करते हैं जिन्हें शेयर बाजार की जानकारी नहीं होती है, जैसे कि किसी भी कंपनी के शेयर हैं वो कब गिरने वाले हैं और कब उठने वाले हैं, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली में है क्या, जैसे कि कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी बैंकें हैं, जैसे कि SBI एक बैंक है, तो इसकी एक स्कीम है म्यूचुअल फंड। अब इस स्कीम का नाम है SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ये है, ठीक है। इसका फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी के जो शेयर हैं वो बढ़ने वाले हैं और किस कंपनी के जो शेयर हैं वो घटने वाले हैं, वो इस चीज़ की जानकारी पूरी रखते हैं। तो इस चीज़ की वो जानकारी रखते हैं तो वो इस म्यूचुअल फंड को ही पूरी तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में पैसे लेंगे और अपने यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, वहाँ पर 1% के हिसाब से 90% के हिसाब से या फिर 50% के हिसाब से वो अपनी वहाँ पर कमीशन काट लेगा, ठीक है। और जो बचा आपका पैसा वो अलग अलग कंपनियों में लगाएगा जो कि प्रॉफिट करने वाली हैं, ठीक है। अब वो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, आपने वहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए म्यूचुअल फंड में, इस म्यूचुअल फंड में SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान में, ठीक है। तो ऐसे में अब 1000 रुपए हैं, अगर 1% के हिसाब से वो काटते हैं तो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो अपनी वहाँ पर कमीशन काट लेगा 1000 रुपए की, ठीक है। बच्चे आपके 99,000, अब 99,000 को वो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो ऐसी जगह लगाएगा जहाँ पर उन पैसों की डबल होने की यानी कि क्षमता हो, यानी कि किसी कंपनी के ऐसे शेयर खरीदना जैसे कि उनके डबल हो जाए कुछ समय बाद या प्रॉफिट हो जाए। म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को जमा करके नहीं रख सकता है, ठीक है। तो वो पैसे को आपका लगाएगा कम से कम 99,000 रुपये 10 से 20 कंपनियों में, ठीक है। और उनकी नज़र में होती है कि आखिर कौन कौन सी कंपनी है जो इस समय प्रॉफिट में चल रही हैं या फिर प्रॉफिट दे सकती हैं, ठीक है। तो 5,000-5,000 रुपये या फिर 10,000-10,000 रुपये करके वो उन पैसों को लगा देगा। अब ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि जो आपका 1 लाख रुपये मान लेते हैं हम, ठीक है, वो आपका 20 कंपनियों में लगा देगा 5,000-5,000 रुपये करके, ठीक है। अब ऐसे में 5 कंपनी लॉस कर जाती हैं या 10 कंपनी आपका यहाँ पर प्रॉफिट करती हैं और 10 कंपनी यहाँ पर लॉस करती हैं, तो ऐसे में आप बराबर से छूट जाएंगे, ना तो आपको कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा, पर ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसी के साथ में लॉस होने के भी चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर उन्होंने 20 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ होगा
तो 5 कंपनियां लॉस कर देती है, बची कितनी 15 कंपनी। 15 कंपनियों में से 5 कंपनी हम निकाल देते हैं जो लॉस हुआ है, उस लॉस को रिपेयर करेंगी, बची कितनी 10 कंपनी। 10 कंपनियों से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, और उसी हिसाब से जो एनएवी है वो यहां पर हाई भी होती जाएगी जितना कोई दूसरा इसमें म्यूचुअल फंड को लगाता जाएगा। अब एनएवी क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। एनएवी की एक्चुअली में जो इसकी फुल फॉर्म है वो है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है। अब एनएवी क्या होती है, एनएवी एक यूनिट समझ सकते हैं, जैसे कि जो म्यूचुअल फंड है ये जब भी यहाँ पर शुरू हुआ होगा तो इसके अंदर कुछ म्यूचुअल फंड में यानी कि पैसे को निवेश किया होगा, ठीक है। अब उस म्यूचुअल फंड में जो पैसे को निवेश किया होगा जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो 10 रुपए के हिसाब से एनएवी बना दी गई होगी, ठीक है। अब वो एनएवी है, फिर उसके बाद में बढ़ती रहती है, ठीक है, पर वो एनएवी है यानी कि 100 एनएवी बन गई या फिर 1000 एनएवी बन गई तो वो 1000 रहेंगी, ये नहीं कि 1000 2000 3 हो जाए, ठीक है। एनएवी सिर्फ आपकी उतनी ही रहेंगी, बस उनके जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है, इसमें आखिर कितना पैसा लगा हुआ है, जैसे कि इकाई 2500 1000 10000, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है 51,632 करोड़ रुपए इसमें लगा हुआ है इस समय, ठीक है। इसी के साथ में इसका जो आप देख सकते हैं मीटर जो कि वेरी हाई है, और इसी के साथ में आप यहां पर रैंक देख सकते हैं 3 स्टार इसे मिले हुए हैं। इसी के साथ में चलिए मैं आप यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं। स्क्रॉल करने के बाद में अब आप यहां पर देख सकते हैं वन टाइम का मतलब होता है जो आप पैसा एक ही बार में निवेश करना चाहते हैं, बार बार करना नहीं चाहते, तो वो आप कम से कम 5000 रुपए से कर सकते हैं इसमें। और इसी के साथ में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है SIP रिटर्न, ठीक है, आप 500 रुपए से अपनी SIP का खाता इसमें खोल सकते हैं। यहां पर मिल जाता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का मतलब है इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अगर आपने 2023 में, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने 1,00,000 रुपये अगर इसमें लगाया होता 2023 में 13 तारीख 9वें महीने में, तो आज की डेट में, ठीक है, उस जो पैसे की वैल्यू है वो यहाँ पर हुई भी होती 1,28,213 रुपये, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि 1,00,000 रुपये तो हमने लगाया था इसमें और इसी के साथ में 28,213 रुपये के हमें इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये बता भी रहा है कि एक साल में जो कि 28.13 का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो जो टोटल जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट की थी और जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है 1,28,213 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आखिर आपको पैसों को कब यहाँ पर निवेश करना चाहिए, हालांकि ये पूरी क्लियर नहीं है मैं आपको बता दूं, पर ये एक अनुमान है, ठीक है। जैसे कि ये ग्राफ अभी इस समय ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि और भी ग्राफ देख पा रहे हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो आपको 1-2 दिन में ही ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ग्राफ नीचे की तरफ आए तो आपको तुरंत ही म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही पैसा आप निवेश करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही उसमें बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने अमाउंट लगाई होगी तब, क्योंकि जो आपका ग्राफ है वो नीचे की तरफ होगा, तब आपने उसकी एनएवी है तो खरीदी है, कहने का मतलब है यूनिट आपने खरीदी है तो वो सस्ती खरीदेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में जब वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो एनएवी के जो प्राइस हैं वो हाई हो जाएंगे और इसी के साथ में आपको वहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और ऐसे में जो एनएवी ऊपर की तरफ है और आप उस पैसे को वहां पर एनएवी खरीदते हैं तो ऐसे में वो एनएवी यानी कि जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा, एनएवी सस्ती हो जाएगी, ठीक है, और सस्ती हो जाएगी तो ऐसे में आपके जो पैसे हैं वो वहां पर कम हो जाएंगे। जैसे कि आप SBI योनो के माध्यम से देखेंगे या फिर वेबसाइट पर आके देखेंगे तो वो पैसे आपके वहां पर कम हो जाएंगे और ऐसे में लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भी ग्राफ ऊपर गया है, कभी नीचे गया है, कभी ऊपर गया है, कभी नीचे गया है, कभी ऊपर गया है, तो इस तरीके से तो ये होता रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपकी क्लियर होगी कि कब आपको यहाँ पर एनएवी यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए, ये तो आपकी क्लियर हो गई। इसी के साथ में आपको ये भी बता रहा है कि एक वीक में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, एक मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 3 मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ में या फिर 1 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। तो मैं आपको बता भी रहा हूं कि अगर आप इसमें पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप 1 साल में यानी कि 1 साल से
ऊपर के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टर्म आ जाता है एक साल से भीतर के लिए, और लॉन्ग टर्म आ जाता है एक साल से ऊपर के लिए। तो जब भी आप पैसे को निवेश कर रहे हैं, एक साल के लिए ही करें, इससे कम के लिए ना करें, ठीक है। और अधिक समय के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। और जो भी एफडी कर रहे हैं, एफडी से तो ये अच्छा ही रिटर्न देती है, ठीक है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो स्कीमें होती हैं वो अच्छा ही रिटर्न देती हैं, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि 19% दिया है इन्होंने 5 साल में, 15% दिया है 3 साल में, और इनका जुड़कर यहाँ पर कितना कितना बैठ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एनएवी है वो, यानी कि कब यहाँ पर अपडेट हुई है वो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं, एसआईपी वगैरह। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि टैक्स, जो कि सबको इंतजार है इस चीज के बारे में जानना, ठीक है। जो कि पोर्टफोलियो है, यानी कि जो अपडेट हुई है ये जानकारी, वो हुई है 31 अगस्त 2024 को ये अपडेट हुआ है। और इन्होंने बताया है जैसे कि जो कि आफ्टर, यानी कि अभी, जो कि 1 ईयर फॉर परचेज डेट लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेशन करंट टैक्स रेट और इज 12.5, यानी कि 12.5%। कहने का मतलब है, अगर आपका एक, यानी कि 5 लाख आपका इसमें मान लेते हैं रुपए है, ठीक है, 5 लाख अगर आपका रुपए है, और ऐसे में 5 लाख यानी कि हो जाता है 6,25,000 रुपए, ठीक है, 6,25,000 हो जाता है। तो कहने का मतलब है आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि लॉन्ग टाइम में अगर कैपिटल गेन, यानी कि एक्स्ट्रा लोड, यानी कि 100, यानी कि 1,25,000 होता है, तब आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं है, इसका मतलब ये है एक्स्ट्रा लोड, ठीक है। और इसी के साथ में इससे ऊपर आपकी कमाई होती है तब आपको यहाँ पर 25%, यानी कि आपको 12.5% आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होगा, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है, अगर आप एक साल, यानी कि एक साल से कम समय के लिए आप इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं, तो वहाँ पर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा, ठीक है, और आपको किसी भी तरीके की छूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो आया है 2024 में अपडेट। अब हो सकता है 2025 में जाके इसके बदलाव हो जाए या ना हो, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पता नहीं थी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ पर और भी कई सारी जानकारी हैं, फिलहाल ये जानकारी आपको जानना ज़रूरी नहीं है, जो जानकारी जानना ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये आपको जो जानकारी है थोड़ी सी लेट देती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि शुरू में तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं कोई भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यह है SBI कंट्रोल फंड रूलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा रहा है जैसे कि, यानी कि 398.91, ठीक है, एनएवी की तो आपको मैंने सारी बातें बताई दी, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पर सिंपली ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो इसकी एनएवी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो जैसे कि ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है, जैसे कि देख पा रहे हैं, यानी कि 397 पॉइंट और आपको 73 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि ये जो अपडेट है इस वेबसाइट पर अभी नहीं हो पाई है, ठीक है, पर जो पिछले हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उस पर जो अपडेट था वो यहाँ पर हो गया था, ये वाला, ठीक है। तो ये वेबसाइट है वो बहुत ही जल्दी अपडेट कर देती है, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर अगर कोई अन्य चीज़ भी देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि किसी, यानी कि जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश कर रहे हैं, तो उस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो कौन है, वो आप जहाँ पर पैसे को निवेश कर रहे हैं वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप वेबसाइट पर भी आके देख सकते हैं, और आप यानी कि SBI योनो एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप उसके जरिए भी ये चीज़ देख सकते हैं कि आखिर उसका म्यूचुअल फंड जो मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है। एक तो यार मेरा माउस थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पर ये है 92, ठीक है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ।
क्लिक करने के बाद में अब बाकी की जानकारी आप यहां से भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है अभी ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो चलिए जब तक मैं यहां पर रुक जाता हूं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, अगर आप वन टाइम यानी कि एक टाइम में पैसों को निवेश करना चाहते हैं तो 5,000 और बाकी की 500 रुपए से आप SIP का खाता आप इसमें खोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड नेम क्या है और ये कब लॉन्च हुआ था, यानी कि फरवरी 2000 यानी कि 14 फरवरी को ये लॉन्च हुआ है 2006 में। ठीक है, इसी के साथ में ये इंडेक्स रिलेटेड है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैम आप 5,000 से आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप यहाँ पर 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। विड्रॉल वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि विड्रॉल आप 500 रुपये भी कर सकते हैं कम में कम। ठीक है, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।